हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है अपने चैनल में। दोस्तों, ये जो वीडियो है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि बिल्कुल आपके डिमांड पे ये वीडियो है। आपने मुझे कमेंट किया तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। ये जो वीडियो है, पेंजिम सिटी में हॉस्टल आपको सजेस्ट करने वाला हूँ। ओके, बिल्कुल ये पहला पेंजिम सिटी से शुरू कर रहा हूँ। उसके बाद आपको आएगा कलंगूट बागा बीच के आसपास हॉस्टल, अंजुना वागातोर के पास हॉस्टल, उसके बाद साउथ गोवा में कहाँ पे आपको हॉस्टल मिलेगा, क्या प्राइस मिलेगा, क्या क्या सर्विसेज है हॉस्टल में, ओके, क्या फैसिलिटीज़ है, कौन से एरिया में है, ये सारे डिटेल्स ये सीरीज़ में रहेगा। तो आप ऐसे मेरे साथ बने रहिए, अभी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों आपके लिए, क्योंकि अभी कोविड का टाइम है, बहुत सारा होटल हॉस्टल या रिजॉर्ट हो सकता है आपको बंद मिलेगा। अगर ओपन है तो कुछ लिमिटेड उनका सर्विस रहेगा, पूल बंद हो सकता है, स्विमिंग पूल बंद मिलेगा आपको, जिम बंद मिलेगा, या फिर बार एंड रेस्टोरेंट होटल का बंद मिल सकता है। तो ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूँगा वीडियो देखने के साथ ही, आपको अगर होटल हो हॉस्टल हो या रिजॉर्ट जो भी अगर बुक करना है, तो उनका वेबसाइट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाइए। आप कभी भी जाइए, अभी जब आप वीडियो देख रहे हो तभी जाइए और चेक कीजिए, या फिर आप 5 साल के बाद भी ये वीडियो चेक किया तो उनका जो वेबसाइट का लिंक है ये मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाइए। उनका प्राइस चेक करना है और उनका नंबर भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा, उनका नंबर पे आप कॉल कीजिए और क्या क्या सर्विसेज ओपन है, क्या रिस्ट्रिक्शन है, क्या बंद है, चेक कीजिए और आपको अगर पसंद होता है तो ये होटल या हॉस्टल आप बुक कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हॉस्टल जो मैं पेंजिम सिटी में सजेस्ट करूंगा वो है यूथ हॉस्टल मीरामार। ये जो हॉस्टल है बिल्कुल मीरामार बीच के पास, मीरामार सर्कल के बगल में ही है हॉस्टल, बहुत अच्छा प्लेस में है। आपको उसके साइड से ही आपको डायरेक्ट बीच एक्सेस मिल जाता है, मीरामार सर्कल के पास ही ये हॉस्टल है। ओके, यहाँ पे आपको डोमेट्री बेड मिलेगा, एसी नॉन एसी रूम मिलेगा, जो भी आपको पसंद है आप बुक कर सकते हो। पार्किंग फ्री है, ओके, और प्लेग्राउंड है यहाँ पे, टाइम पास के लिए आप प्लेग्राउंड यूज़ कर सकते हो, गेम वगैरह खेल सकते हो यहाँ पे। और बहुत सारे रूम्स है, जैसे कि आप देख सकते हो रूम्स पीछे दिख रहा है, डोमेट्री बेड्स है इसमें। लास्ट एक वीडियो में मुझे कमेंट आया था कि हम 15 या 18 लोग हैं, सस्ते से सस्ता होटल सजेस्ट करो। तो ऐसे रूम, ऐसे बेड, ओके, ऐसे डोमेट्री रूम वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो। इसका नियर बाय अट्रैक्शन पॉइंट जो है आपको पता है, मीरामार बीच, बिल्कुल मीरामार बीच पे ही आप रह रहे हो। दोनापाल बीच वहाँ से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ये साइड में पेंजिम चर्च, पेंजिम मार्केट, कैसिनो, मांडवी रिवर क्रूज, पेंजिम बस स्टैंड भी 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में सारी चीज़ें आपको मिलेगा। आप बिल्कुल पेंजिम के मेन सिटी में बीचों बीच रहोगे, तो टेंशन नहीं, पूरा पेंजिम एक्सप्लोर कर सकते हो। और ओल्ड गोवा यहाँ से 10 या 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, बिल्कुल वो भी चेक कर सकते हो। ओके, इनका जो प्राइस है दोस्तों 300 रुपीज़ से स्टार्ट है। ओके, आप अगर एसी भी सिलेक्ट करोगे तो हो सकता है 500 रुपये तक जा सकता है, पर अच्छा है। ऐसे प्राइम लोकेशन में आपको 300 में वन नाइट आप आराम से स्पेंड कर सकते हो, विथ आपको बंक बेड मिलता है वहाँ पे, आप बिल्कुल स्पेंड कर सकते हो। ओके, अभी है नंबर टू में है दोस्तों द ओल्ड क्वार्टर हॉस्टल। ये जो हॉस्टल है पेंजिम बस स्टैंड से बिल्कुल बगल में ही है। पेंजिम बस स्टैंड से आप अगर पाटो से चल के भी आ सकते हो, 500 से 600 मीटर पे हॉस्टल है। ओके, बाकी आपको टैक्सी सर्विस वगैरह सारे चीज़ें मिल जाएगी ये हॉस्टल तक आने के लिए। बहुत ही सही प्लेस में ये हॉस्टल है, फॉन्टेनस करके आपको पता है, ओके, पोर्चुगीज क्वार्टर्स है। बहुत सारे इंस्टाग्राम पिक पे आपने ये प्लेस तो देखा रहेगा, पूरा गलियां जो है पोर्चुगीज क्वार्टर्स पे भरा है, बहुत फेमस क्वार्टर्स है। ऐसे प्लेस में ये हॉस्टल है। ओके, यहाँ का अगर मैं फैसिलिटी आपको बताऊँ तो आपको यहाँ पे फ्री वाईफाई मिल जाता है, फूड एंड ड्रिंक्स आपको यहाँ पे होटल में ही मिलेगा, डेली हाउसकीपिंग का सर्विस मिलेगा यहाँ पे, पार्किंग आपको मिल जाता है, पब्लिक पार्किंग है। ओके, वहाँ पे फ्री पार्किंग आप कर सकते हो। इसके साथ आपको यहाँ पे 2 तरीके का रूम मिलता है, आपको डोमेट्रीज बेड भी मिलेगा, प्लस आपको इंडिविजुअल रूम भी चाहिए तो वो भी सर्विस आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको नीट एंड क्लीन रूम और बेड आपको नीट एंड क्लीन मिलेगा, एसी नॉन एसी जो भी आपको चाहिए आप बिल्कुल सिलेक्ट कर सकते हो। नियर बाय अट्रैक्शन पॉइंट पेंजिम मेन चर्च जो है 500 मीटर पे है, बिल्कुल नज़दीक है, बस स्टैंड नज़दीक है,
आपको कैसीनो और रिवर क्रूज मार्केट वगैरह 1 से 2 किलोमीटर के दायरे पे है सारे। मीरामार बीच, दोनापाल बीच 5 या 6 किलोमीटर के दायरे पे है। ओके, पेंजिम सिटी भी आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो, पेंजिम सिटी आप चल के भी जा सकते हो। ओके, बहुत अच्छा प्लेस में है और इसका जो प्राइस है 500 से स्टार्टिंग है। सीजन में ऊपर नीचे होगा जैसे कि मैं बताता रहता हूँ आपको, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सुंदर प्लेस में है, एक दिन तो आप यहाँ पे कुछ ना करते हुए भी टाइम स्पेंड कर सकते हो। ऐसे प्लेस में ये हॉस्टल है बिल्कुल, यहाँ पे लोग स्पेशली आते हैं ये प्लेस में वेडिंग फ़ोटो शूट के लिए, अपना इंस्टाग्राम फोटोज़ के लिए, वीडियो शूट के लिए। यहाँ पे बहुत सारे मूवी शूट हुआ है, बहुत अच्छा प्लेस है। आप बिल्कुल, आपको ये प्लेस पसंद आएगा, आप बिल्कुल चेक कर सकते हो। इनका वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके इनसे बात कीजिए और क्या क्या फैसिलिटीज़ जानने के बाद आप बुक कीजिएगा। ओके, नंबर 3 में है दोस्तों इजी हॉस्टल। ये मार्केटर्स बिल्डिंग है, आपको बोर्ड मिल जाएगा। ये जो हॉस्टल है इसका लोकेशन भी सेम फॉन्टिनस एरिया में है, अल्तिनो, अल्तिनो के नीचे जो पोर्चुगीज क्वार्टर है वही है। ओके, आसपास आपको बस स्टैंड है, पेंजिम चर्च है। यहाँ पे जो आपको फैसिलिटी मिलेगा, ये आपको पार्किंग मिल जाता है, वाईफाई फ्री है यहाँ पे, एसी नॉन एसी का ऑप्शन है, आपको डोरमेट्रीज बेड आपको मिलेगा या फिर इंडिविजुअल बेड भी चाहिए तो यहाँ पे आपको अवेलेबल है। डेली हाउसकीपिंग, बार एंड रेस्टोरेंट और सीसीटीवी आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा। ओके, यहाँ पे सीसीटीवी लगाया हुआ है तो सेफ्टी के लिए ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको गार्डन एरिया मिलेगा और टेरेस भी मिलेगा, आपको आराम से बैठ के अपना काम भी कर सकते हो और एक्सप्लोर भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया, बहुत अच्छा प्लेस में ये भी हॉस्टल है। इनका जो प्राइस है दोस्तों 720 रुपीज़ अभी का प्राइस है, सीजन के टाइम में ऊपर नीचे होगा। ओके, सीजन के हिसाब से इनका प्राइस चेंजेस होता रहता है, आप चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन में जाके, उसके बाद आप बुक कीजिएगा। तो दोस्तों ये था कुछ हॉस्टल पेंजिम सिटी में मैंने आपको सजेस्ट किया। ऑब्वियसली ये जो हॉस्टल है ये जो फैमिली के लिए ऑब्वियसली नहीं है। ओके, आप अगर फैमिली प्लान कर रहे हो तो मेरा होटल या रिजॉर्ट के रिलेटेड वीडियो है, आप वो चेक कर सकते हो। ओके, और पेंजिम सिटी, गोवा का कैपिटल पेंजिम आपको पता है, ऐसे सिटी में आपको 300 से लेके 500 700 में नाइट आप स्पेंड कर सकते हो ऐसे होटल में, और क्या चाहिए, है ना। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, और आपको और कौन सा एरिया में आपको हॉस्टल में सजेस्ट करूं ये आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताएं, ताकि मैं स्पेसिफिक ओ एरिया का वीडियो बना के आपको बिल्कुल दे दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है, अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और आप अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखें, साथ ही ऑल बटन पे प्रेस करें, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको ऐसे नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए और आप टाइम पे सारे वीडियोस मेरा देख पाएँ। ओके, और आपका टूर प्लान रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो मुझे बिल्कुल कमेंट करें। आपको अगर मुझसे बात करना है, कुछ इंक्वायरी करना है, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन जानना है तो मुझे इंस्टा पे फॉलो करें। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो जो होगा ये कोई भी बीच साइट कलंगूट या बागा या फिर अंजुना बागातोर के साइट में कुछ हॉस्टल में सजेस्ट करने वाला हूँ अगले वीडियो में। ओके, तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहे, खुश रहे, धन्यवाद।